तो अखिलेश यादव सैफई से हरिद्वार के लिए रवाना, नेताजी की अस्थियां लेकर हरिद्वार रवाना हुए। तो हरिद्वार में मुलायम सिंह की अस्थियों का होगा विसर्जन और प्लेन से अस्थियां लेकर के रवाना हुए अखिलेश यादव, साथ में शिवपाल यादव, डिंपल, धर्मेंद्र समेत पूरा परिवार साथ में मौजूद रहा। इस दौरान जब प्लेन से चढ़ते हुए और हवाई पट्टी तक आते हुए जो परिजन एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव पहले से ही हरिद्वार में मौजूद हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब हाथ में जब कलश लिए और अस्थि विसर्जन के लिए जाने के लिए प्लेन से रवाना हुए, जाते वक्त की तस्वीरें हवाई पट्टी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्लेन पर चढ़ते हुए और हरिद्वार में पिता की अस्थियों का विसर्जन करेंगे और प्रवाहित करेंगे। तो अखिलेश यादव हरिद्वार के लिए हुए रवाना प्लेन से। तो गंगा में विसर्जित होंगी आज अस्थियां। 10 अक्टूबर को निधन हुआ नेताजी का और जिस हवाई पट्टी पर तमाम लोग उनके जो परिजन थे वो साथ में मौजूद आए, लेकिन अब जाते हुए हवाई पट्टी से और ये सीधा जाएगा हरिद्वार, जहां पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए सीधा रवाना हुआ प्लेन। अखिलेश यादव जब हरिद्वार में पिता का अस्थियों को लिए प्रवाहित करने के लिए और अब 11:15 का कार्यक्रम था, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अखिलेश यादव आए, जब हवाई पट्टी पर सैफई से और वहाँ पर खड़े और हरिद्वार के लिए रवाना हुए, तो जाते हुए और अब पिता की अस्थियों को लेकर के जब वो गंगा में प्रवाहित करेंगे घाट पर, और इससे पहले जब 10 अक्टूबर को निधन हुआ उनकी अस्थियां अब हरिद्वार में आज विसर्जित की जाएंगी। उनके साथ शिवपाल यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र समेत पूरा परिवार भी साथ में मौजूद है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब, और इससे पहले चाचा शिवपाल के साथ नेताजी की अस्थियां इकट्ठी करते दिखे थे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव हरिद्वार के लिए रवाना और इसी प्लेन से, और अब ये सीधे जॉली ग्रांट के लिए इस तरीके से रवाना हुआ, तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्लेन से रवाना हुए अखिलेश यादव। तो हरिद्वार में पिता के अस्थियों के विसर्जन के लिए पहुंचे, तो इस अस्थि विसर्जन को लेकर के अब आज ये सीधे प्लेन के उतरेगा, अब सीधे जॉली ग्रांट पर उतरेगा। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार के गंगा घाट पर, जहां पर कार्यकर्ता पदाधिकारी पहले से ही मौजूद हैं। तो ये उड़ता हुआ प्लेन जिसमें बैठे हैं अखिलेश यादव, डिंपल, धर्मेंद्र समेत पूरा परिवार मौजूद है और हरिद्वार के लिए निकला प्लेन, तो जाता हुआ प्लेन जिसमें हैं अस्थियां, अस्थि कलश का होगा विसर्जन। तो तमाम लोग इस वक्त उनको छोड़ने के लिए उनके साथ में आए और एक तरफ नेताजी की अस्थि विसर्जन को लेकर के वहां पर लोग हरिद्वार में पहले से ही मौजूद हैं। तो प्लेन से रवाना हुए अखिलेश यादव, हरिद्वार के लिए निकला प्लेन जॉली ग्रांट के लिए, जहां पर पहले से शिप अल यादव साथ में हैं उनके, और साथ ही साथ डिंपल यादव और धर्मेंद्र समेत पूरा परिवार भी मौजूद है। रामगोपाल यादव पहले से ही मौजूद हैं उस घाट पर जहां पर अस्थि विसर्जन होगा, तो हाथों में कलश लिए और एक पिता के लिए के अस्थि कलश और खुद अखिलेश यादव अपने हाथों से अस्थि विसर्जन करेंगे।
10 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ और सोमवार 17 अक्टूबर को अखिलेश यादव, शिवपाल और धर्मेंद्र यादव समेत परिवार के तमाम सदस्य मुलायम सिंह की अस्थियां लेकर हरिद्वार में विसर्जित करेंगे और अस्थि विसर्जन से पहले सप्ताह भर के अंदर अखिलेश यादव को इस बीच लोगों को जो ढाढ़स बंधाने का काम है परिवार के लोगों को, वो लगातार लोग मिल रहे हैं, वहाँ पर पहुँच रहे हैं, सिलसिला जारी है। लेकिन अब अस्थि विसर्जन को लेकर के प्लेन से रवाना हुए, उड़ता हुआ प्लेन और अंदर हैं शिवपाल यादव, डिंपल, धर्मेंद्र समेत पूरे परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर को निधन हुआ और अगले दिन सैफई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार हुआ था। और अब मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए अखिलेश यादव हरिद्वार पहुंच रहे हैं और हरिद्वार जाते हुए ये बीच तस्वीरें, जब प्लेन उड़ा और उसमें परिवार के अन्य सदस्य मौजूद हैं, उस दौरान उनके साथ शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। तो गम के इस माहौल में कई सपा समर्थक, उनके परिजन उनके साथ हैं। तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार किसी भी व्यक्ति के निधन के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए निर्वैधानिक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है और उसे तेरवी कहा जाता है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की तेरवी नहीं होगी। उसकी जगह पर शांति पाठ और हवन पूजन होगा, जैसे कि जानकारी मिल रही है 21 अक्टूबर को। लेकिन उससे पहले आज अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है, हरिद्वार के लिए निकला प्लेन। तो खुद एक पुत्र यानी कि अखिलेश यादव निकले जब सैफई से, और उस वक्त की ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं जब परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। अपने पितृ ऋण जिसे कहते हैं उसकी जिम्मेदारी निभाते हुए खुद अखिलेश यादव पहुंचे। ये उस वक्त प्लेन उड़ने से पहले की ये तस्वीरें हैं, हवाई अड्डे पर हवाई पट्टी से पहुंचने के पहले की ये तस्वीरें। अखिलेश यादव हरिद्वार के लिए रवाना हुए निकले और इससे पहले हवाई पट्टी पर पहुंचने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शिवपाल यादव, टिंपल यादव, धर्मेंद्र समेत पूरा परिवार भी साथ में मौजूद। तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पैतृक गांव सैफई में अंतिम संस्कार किया गया था और पूर्व मुख्यमंत्री पुत्र अखिलेश यादव उनकी अस्थियां लेकर के गंगा में विसर्जन के लिए परिजनों के साथ हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। और हरिद्वार के लिए जाते समय की ये तस्वीरें हैं जब घर से निकले हवाई पट्टी के लिए। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को लेकर के उनके पुत्र सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव परिजनों के साथ सैफई में हरिद्वार के लिए सुबह रवाना हुए और सैफई हवाई पट्टी से चार्टर्ड विमान से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और